श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज सोमवार है और आप किसी भी सोमवार को प्रदोष काल के समय से लेकर रात्रि के 9:15 मिनट तक इन उपायों को कर सकते हैं। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सभी उपाय सोमवार की शाम के समय और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला उपाय अटके हुए कार्य के लिए है, दूसरा उपाय रोग मुक्ति महा उपाय, तीसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए है। सभी उपयोगी हैं। आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। पहला उपाय, गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण कहती है, अगर आपका कोई कार्य बहुत समय से अटक रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, निराश हो गए हैं, काम के लिए आपने सबके हाथ जोड़ लिए, सबके पास भी होकर आ गए हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको एक घी का दीपक तैयार करना है और उसमें थोड़ी सी काली तिल डालकर तुमरुका जी का नाम लेकर निवेदन करके उस कार्य के लिए निकल जाइए। आपका वो कार्य होकर ही रहेगा। दिया आपको भोलेनाथ के सामने लगाना है और गोल बाती का उपयोग करना है। दूसरा उपाय है, रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रहा हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी में ग्रसित है, तो रात्रि को 9:15 में किसी भी दिन भोलेनाथ को आंवले का जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको उस व्यक्ति का भान करना है जो बीमार है और भोलेनाथ से विनय करना है। अब आंवला ना मिले तो सूखे आंवले का उपयोग कर सकते हैं और ये भी ना मिले तो आंवले के पेड़ की पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक घी का दीपक लगाकर अभिषेक पूजन जो करना हो कर सकते हैं। 3 या 4 दिन करके जरूर देखिएगा, वह व्यक्ति हॉस्पिटल में ही ठीक होकर घर आ जाएगा। तीसरा उपाय है जो कि धन प्राप्ति के लिए है और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए है। आपको प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो जो बाती इस्तेमाल करेंगे वो 2 बाती होनी चाहिए, लंबी बाती होनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा और आसान उपाय है। जब आप घी का दिया प्रज्वलित कर देंगे उसके बाद माता लक्ष्मी से, माता पार्वती से, शंकर भगवान से निवेदन करके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी रज अपने घर लेकर आ जाना है। ये काफ़ी अच्छा और आसान सा उपाय है। ये उपाय आप करके देखिए, लाभ मिलना निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।